गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू 9th of July मॉर्निंग डेली मीन्स आंसर राइटिंग प्रैक्टिस क्लास. ओके, सो इन दिस क्लास वी विल गोइंग टू डिस्कस जीएस पेपर वन क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स एंड करंट अफेयर्स रिलेटेड, राइट. सो दिस इज 26th सेशन ऑफ दिस क्लास, और प्लीज गो बैक एंड ज्वाइन माई ऑल ऑफ द क्लासेज और विच आई हैव डन इन द पास्ट. सो डेली मीन्स आंसर राइटिंग प्रैक्टिस GS paper 1, right? So today is 9th of July, it's 10 a.m. Let's see how this question is so important for paper 1. Analyze why government should continue subsidization of higher education in India and how subsidization of higher education is producing both positive and negative externalities in India. Means, jo subsidy hota hai, आपका एजुकेशन में उसके पॉजिटिव और नेगेटिव हमको दोनों पॉइंट्स बताने हैं और हमको ये फुलफिल करना है. जो एग्जामिनर ने जो क्वेश्चन किया है कि हाउ दी सब्सिडीज इन हायर एजुकेशन आर सो इम्पॉर्टेंट फॉर आर ग्रोथ ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया, राइट. सो व्हाट शुड बी द अप्रोच फॉर दिस क्वेश्चन. राइट अप्रोच वुड बी लाइक इंट्रोडक्शन अबाउट पॉजिटिव एंड नेगेटिव हमको बताना है सब्सिडाइजेशन के बारे में. देन स्टेट विद एग्जाम्पल्स, हमको जो कुछ एग्जाम्पल है वो देना है, लाइक रिगार्डिंग जो JNU में फी प्रोटेस्ट हुआ था, फी हाइक को लेके JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी इन दिल्ली. सो उससे रिलेटेड हमको इसको एग्जाम्पल भी देना है इसमें. देन एनालाइज व्हाई गवर्नमेंट शुड कंटिन्यू सब्सिडाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया, और गवर्नमेंट को ये क्यों कंटिन्यू करना चाहिए. फिर हम उसको एक वे फॉरवर्ड करके एक कंक्लूड कर देंगे, हम इसको मीन्स अ पॉजिटिव हम इसको कंक्लूजन इसका देंगे, राइट. सो दैट शुड बी द राइट अप्रोच फॉर दिस क्वेश्चन. ओके, ये अप्रोच लिखने के बाद देन हम बैकग्राउंड में जाएंगे. बैकग्राउंड हम देखेंगे कि इसमें क्या एक्चुअल मामला क्या है, ये पूरा हम इसका कॉन्टेक्स्ट जानेंगे. वेल, मोर देन 1/5 ऑफ द पॉपुलेशन इज बिलो ऑफिशियल पॉवर्टी लिमिट्स एंड 93% ऑफ द वर्कफोर्स is engaged in an organized sector. Subsidized education provides access to quality education the poor. जब 93% जो दुनिया का हमारा इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो हमारा पॉवर्टी लिमिट्स के पास है, और उसका जो वर्क फोर्स है हमारा वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, मीन्स 93% हमारा मोर देन जो हमारा जो पॉपुलेशन है 93% जो काम करता है एक्चुअली वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, मीन्स वो प्राइवेट एंटिटीज में ज़्यादा वर्क करता है बजाय जो पब्लिक वेलफेयर जो एंटिटीज़ होती हैं उसमें काम करने के, राइट. सो हमारा स्ट्रक्चर और अनऑर्गेनाइज्ड है. सो ऐसे स्ट्रक्चर में सब्सिडीज इन एजुकेशन जनरेट अ होस्ट ऑफ पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज सच एज हेल्थ इंप्रूवमेंट, रिडक्शन इन पॉवर्टी, क्राइम एंड पॉपुलेशन ग्रोथ. सो ऐसे टाइम पे अगर हम उनको हायर एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं अपनी पॉपुलेशन को, इतनी बड़ी पॉपुलेशन को, तो वो क्लास हमारे लिए पॉवर्टी कम करेगा, क्राइम कम करेगा, पॉपुलेशन ग्रोथ में हमारा डिक्रीज आएगा, राइट, जो हमारी डेवलपमेंट में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है. देन इट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंसेस ऑलमोस्ट ऑल एरिनाज ऑफ सोशल लाइफ, therefore should be viewed as a non-negotiable public good and by far the most important social investment. मतलब इसको social investment की तरह हमको देखना चाहिए. क्या higher education in जो हमारी population के लिए और उसकी subsidy है जो, इसको हम एक तरह से social investment की तरह हमको देखना चाहिए. Public expenditure on education has gone up to 4.6 in 2018 from 3.8%. मतलब increase तो हुआ है, right? इंक्रीज हुआ है. इट इज़ स्टिल लोएस्ट एज कम्पेयर टू ब्रिक्स नेशन. ब्रिक्स कौन से हैं? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका. इन सब में अभी भी इंडिया का जो शेयर है एजुकेशन के लिए वो अभी भी कम है, राइट. सो रिसेंटली द प्रपोज्ड फी हाइक ऑफ रेजिडेंशियल हॉस्टल्स इन JNU, हमने बताया कि हम एक इंसिडेंट जो मेन हुआ है उससे रिलेटेड हम सब बताएंगे इसमें. सो JNU में फी हाइक को लेकर जो इंसिडेंट हुआ है स्पार्क्ड वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट एंड कॉन्ट्रोवर्सी ओवर सब्सिडीज इन हायर एजुकेशन. हायर एजुकेशन में जो फी हाइक अभी हुआ है, मीन्स जो ऑफकोर्स आपको पता है कि JNU में हायर एजुकेशन के लिए बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, इवन नंबर वन है इन इंडिया में. सो उसके लिए वहाँ पे जब फी हाइक हुआ तो स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया कि ये फी हाइक, व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड दिस, ओके हमको सब्सिडी दीजिए इसमें. सो दैट वाज एट दैट टाइम जो सब्सिडी का जो हायर एजुकेशन में जो इशू था वो अराइज हो गया दोबारा. इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या होगा, लेट्स सी, देखते हैं. फ्री राइडर्स मतलब सब्सिडीज आर इंटेंडेड टू सर्व द वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी. मतलब जो सब्सिडीज होती है जो कमजोर वर्ग है उसको ज्यादा हेल्प करने का हम सोचते हैं सब्सिडी से. हाउएवर इट इज ऑफन सीन दैट बेनिफिट सब्सिडीज आर एक्सप्लॉइटेड बाय मिडिल एंड एलीट क्लास. कल मैंने बताया था कि एलीट क्लास क्या होता है, राइट, जिनके पास सब
जो एजुकेशन में, जो थिंकिंग में वे फॉरवर्ड होता है, जिनका थोड़ा जो आगे होते हैं और जो हायर इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, वो इन सब्सिडीज़ का फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं. सब्सिडीज़ डू नॉट गारंटी क्वालिटी एजुकेशन. सब्सिडी आपको पता है, जहाँ फ्री एजुकेशन होता है वहाँ क्वालिटी नहीं होता है. सो ये बहुत बड़ा रीज़न है इसमें. देन अनइवननेस इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्सिडीज़ मीन्स, जो सब्सिडीज़ हम देते हैं उसमें अनइवननेस है. सपोज़ कोई किसी एक सोसाइटी को उसमें ज़्यादा सब्सिडी उसको ज़रूरत है तो उसको कम मिल रहा है, और जिसको नहीं चाहिए उसको भी मिल रहा है, और किसी के घर में जॉब है उसको भी मिल रहा है, तो ये अनइवननेस हो जाता है. जो हमारी गवर्नमेंट है वो फेल हो जाती है ना कहीं कि ये देखने के लिए कि जो किसको ज़्यादा ज़रूरत है, किसको कम ज़रूरत है, कौन सा सोसाइटी का जो पार्ट है, राइट. देन देर इज़ अ कंसिडरेबल अनइवननेस इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पब्लिक फाइनेंसेस. स्टूडेंट सब्सिडीज फॉर प्रीमियर इंस्टीट्यूशन लाइक IITs एंड इंजीनियरिंग कॉलेजेस आर इनकम्पेरेबली हायर देन दोज फॉर यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस, पर्टिकुलरली फॉर लिबरल आर्ट्स इंस्टीट्यूशन, राइट. मतलब ये हमारे जो IITs हैं और इसमें जो बड़े बड़े कॉलेजेस हैं इंडिया के, उसमें वो फीस है वो बहुत ज़्यादा हायर होती है, ठीक है. तो ये जो हमारे पब्लिक फाइनेंसेस हैं और ये इनके लिए जो फी हाइक है वो नहीं कर पाते. सो जो लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उनको अपर एरिना का एजुकेशन मिल ही नहीं पाता, राइट. सो दे वर लैकिंग बिहाइंड समवेयर. सो प्राइवेटाइजेशन एक रीज़न है. जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट होते हैं आर जनरली नॉट लाइकली, आपको पता है कि प्राइवेट स्कूल्स इवन कितना हाई फी जो होता है उनका, और जो पेरेंट्स होते हैं नॉर्मल मिडिल क्लास भी उनको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं. सो दैट इज़ द रीज़न कि जो लोअर क्लास होगी उनका तो उनको एजुकेशन बिल्कुल नहीं मिलेगा इस सिचुएशन में. जनरली नॉट लाइकली टू बी अमेनेबल टू मेजर्स प्रमोटिंग एक्सेस एंड क्वालिटी, देयरफॉर अ लार्ज नंबर ऑफ प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रिमेन इनएक्सेसिबल टू इकोनॉमिक वीकर सेक्शन. आपको पता है फीस ज़्यादा होगा तो कैसे जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन होंगे उनको एजुकेशन कैसे मिलेगा, राइट. व्हाई गवर्नमेंट शुड कंटिन्यू सब्सिडाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन इंडिया. अब ये पॉइंट हम देखेंगे कि गवर्नमेंट को जो सब्सिडी देने का जो काम है वो कंटिन्यू क्यों करना चाहिए, ओके. सो इसके क्या एडवांटेज हैं सब्सिडी देने के, ये देखिए. पॉजिटिव हम अब तक हमने नेगेटिव बताए, अब हम पॉजिटिव बताएंगे, ठीक है. सो पॉजिटिव क्या होगा इसमें, इंक्लूसिवनेस एंड इक्विटी. मतलब ये सबको इंक्लूड करता है, चाहे किसी का कम इनकम है या ज़्यादा है, जिसको ज़रूरत है जिसको कम ज़रूरत है, सबको इंक्लूड करता है और इक्विटी लाने का कोशिश करता है, राइट. सब्सिडीज इन हायर एजुकेशन हैव इनेबल्ड द मार्जिनलाइज्ड एंड सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्ड sections of society and get access to quality higher education which has largely been the domain of dominant groups of society. मतलब जो higher education अब तक जो सिर्फ higher class होती थी society का उसी के लिए access होता था, तो अब क्या होगा, ये जो higher education, ये जो lower strata के जो लोग हैं जिनके पास income नहीं, उनको भी available हो जाता है by the help of subsidy. Inclusiveness and equity are very important characteristics is a good public institution. मतलब जो इंक्लूसिवनेस होता है और इक्विटी होता है, हम कल भी पढ़ा था हमने कि DPSP का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि हमको इक्वल इक्विटी लाने के लिए, इंक्लूसिवनेस लाने के लिए जो वेलफेयर पॉलिसीज है उन पर ज़्यादा वर्क करना होता है स्टेट गवर्नमेंट को. देन ये पब्लिक इंस्टीट्यूशन मतलब गवर्नमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है. एंड ओवर द ईयर्स दिस हैज़ एक्चुअली इंक्रीज इन पब्लिक इंस्टीट्यूशन एंड देर इज इंटायरली बिकॉज ऑफ सब्सिडी. मतलब ये जो हुआ है आज तक जो हायर एजुकेशन में जो इतना डिफरेंस आया है वो बिकॉज ऑफ सब्सिडी से ही आया है, राइट. सो सब्सिडी इज दैट मच इंपॉर्टेंट फॉर आर हायर एजुकेशन पार्ट ऑफ इंडियन कम्युनिटी, राइट. सो द इकोनॉमिक क्या है इसके पीछे, अगर हम किसी सबको सब्सिडी देते हैं तो, राइट. द सब्सिडाइज एजुकेशन प्लेज एन सिग्निफिकेंट रोल इन बिल्डिंग एन इकोनॉमी एज इन केस ऑफ इंडिया. मतलब इकोनॉमी बिल्ड करने में ये इंडिया में बहुत बड़ा हेल्पफुल है. स्टूडेंट्स एंगेज विद रिसर्च एंड स्पेशलाइज्ड एजुकेशन गो ऑन टू बिकम बेटर कंट्रीब्यूटर्स टू द इकोनॉमी. मतलब जो स्टूडेंट जो हायर एजुकेशन में जाते हैं, जो PhDs और जिन्होंने डॉक्टरेट जो ले लेते हैं, वो जो हायर एजुकेशन में जाके फिर और आगे हेल्प करते हैं गवर्नमेंट को, और जो मासेस है जिन पे एजुकेशन नहीं, तो अल्टीमेटली ये गवर्नमेंट की ग्रोथ में, कंट्री की ग्रोथ में बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट. तो ग्रोथ के लिए हमको एजुकेशन सबसे पहले, मैं भी कहती हूँ कि एजुकेशन के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है किसी कंट्री में, राइट. सो बेटर कंट्रीब्यूटर्स टू द इकोनॉमी में ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर पाते हैं वो लोग. हायर एजुकेशन बूस्ट इनोवेशन, क्रिएटिव थिंकिंग एंड इनोवेशन, ये कुछ बेनिफिट हैं जो हायर एजुकेशन के बाद मासेस में आते हैं, राइट. देन द एग्जाम्पल देखो, सॉफ्टवेयर सेगमेंट विच कंप्राइज ऑफ यू शेयर इन इंडिया GDP इज अ शाइनिंग एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज फ्रॉम सब्सिडीज इन हायर एजुकेशन.
मतलब जो पॉजिटिव हमने जो बातें बताई वो इम्प्लीमेंट करने के बाद जो हमारा सॉफ्टवेयर सेगमेंट है, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं हमारे, वो कितने ज़्यादा इंक्रीज हुए। सॉफ्टवेयर जो हम बनाने का जो कैपेसिटी है इंडिया का, वो आज कंपेरेटिवली इन द 90s वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया, राइट। सो ये हम जो इंडिया की GDP में जो हमारा इंक्रीज हुआ है बाय द हेल्प ऑफ दिस, सो इसको हम एग्जाम्पल के तौर पर ले लेंगे इसमें। देन डेमोग्राफिक डिविडेंड, मतलब जो हमारा पॉपुलेशन है, जो ह्यूमन रिसोर्स है हमारे, उसको हमने कैसे डिविडेंड में क्रिएट कर चेंज कर दिया। डिविडेंड मीन्स जो गवर्नमेंट के लिए रिसोर्स बन जाता है, हमारे जो कंट्री के लिए रिसोर्सफुल हो जाते हैं जो ह्यूमंस, उनको हम डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं, राइट। इंडिया इज़ वन ऑफ द यंगेस्ट नेशन ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज यहाँ पे यंगेस्ट पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, चंक ऑफ पॉपुलेशन इन फेवरेबल डेमोग्राफिक फेज। हाउएवर दिस यंग पॉपुलेशन एजुकेशन एंड स्किल स्टेटस इज नॉट अलाइन टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द मार्केट। मार्केट मतलब जो ऑल ऑफ द वर्ल्ड जो ज़रूरत है आज के टाइम पे, जितना हमको एक्सेस चाहिए उतना नहीं है। हालांकि हमारे पास सबसे यंग पॉपुलेशन है अब तक का वर्ल्ड में, सबसे ज़्यादा यंगर पॉपुलेशन इंडिया में ही है। सो देयरफॉर सब्सिडीज इन हायर एजुकेशन, इसीलिए सब्सिडीज जो होती है वो हायर एजुकेशन में बहुत ज़रूरी है इंडिया के लिए। हैव ग्रेटर रोल टू प्ले एंड इन रीपनिंग द बेनिफिट्स ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड, मतलब जो हमारे ह्यूमन रिसोर्स हैं, HR है हमारा, उसके लिए हमको सबसे ज़्यादा अगर कोई बेनिफिट कर सकता है तो हमारा एजुकेशन है। फिर बाद में हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर की और पार्ट है, हेल्थ सेक्टर है हमारा, एजुकेशन सेक्टर है, तो ये जो चीज़ें हैं, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ये जो बिल्डिंग हो गया, सो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो सबसे पहले किसी कंट्री को अपने डेवलपमेंट के लिए चाहिए, राइट। जो वेस्ट में कंट्रीज है वो क्यों डेवलप्ड है, हम क्यों डेवलपिंग है, बिकॉज हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक लिथार्चिक है, राइट। लाइक कि अभी तक कंप्लीट ही हमने रोड ही हमारे आज तक कंप्लीट नहीं है, हमारा कंप्लीटली हॉस्पिटल्स ही हमारा जितना पॉपुलेशन है। सी आज कोरोना के टाइम में हमारा कितना अवेलेबिलिटी है बेड्स का, मींस 1000 लोगों के लिए हमारे पास कुछ 0.25 और 0.50 आधा बेड अवेलेबल है 1000 लोगों के लिए। तो इतना बुरा अगर सिचुएशन है हमारा कंट्री का, तो हम कैसे कोप अप करेंगे। सोचो अब तक हमने जितना इन्वेस्टमेंट किया है डिफेंस में, डिफेंस का जो हमने इन्वेस्टमेंट है वो सब एक तरफ रह गया, और हमारा जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका जरूरत आज इतना ज़रूरत हमको फील हो रहा है कि हमने टाइम रहते अगर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा कर लिया होता तो शायद आज हमको इतना प्रॉब्लम ना होता ड्यू टू कोरोना, राइट। सो दैट इज़ द नीड ऑफ द हायर एजुकेशन एज वेल टू ग्रो अप द जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स होता है, अपना डेमोग्राफिक डिविडेंड होता है, उसको आगे बढ़ाने के लिए दैट इज़ द नीड जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है। तो सब्सिडी इसलिए इतना इम्पॉर्टेंट है। और सोशल मोबिलिटी, मतलब सोशल जो हमारा जो ग्रोथ है, जो सोसाइटी का जो डिफरेंट पार्ट है उसमें मोबिलिटी, मतलब उसका कैसे ग्रोथ होता है। अर्लियर हायर एजुकेशन यूज टू बी एक्सक्लूसिव प्रिजर्व ऑफ एलीट्स। पहले क्या होता था, जो हायर एजुकेशन थी, जो टॉप क्लास एजुकेशन होते थे, IIT होते थे हमारे, जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ होती, वो एलीट क्लास के बच्चों के लिए ही होता था। एलीट क्लास मतलब जिनके पेरेंट्स बहुत बड़ी पोजिशन पे हैं और जिनके पेरेंट्स ही कुछ ऐसे कर पाए हैं, उनके लिए ही जो IAS IPS होते थे उन्हीं के बच्चे बनते थे। सो ऐसे जो सिचुएशन है वो आज बिल्कुल चेंज हो चुकी है ड्यू टू सब्सिडी, कि मतलब जो लोअर स्ट्रेटा का जो बच्चा, तो एक गाँव का बच्चा भी है, वो भी आज पूरा फैसिलिटीज़ उसके पास है, वो पढ़ के और पूरा गवर्नमेंट की इकोनॉमी में हेल्प कर सकता है। एंड अदर सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस वर डिप्राइव्ड ऑफ हायर एजुकेशन, मतलब पहले ऐसे होता था, बट ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ मेड बाय द गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडीज एंड अदर बेनिफिट्स टू मेक इट विद इन द रीच ऑफ एवरी सोशल ग्रुप, ठीक है। तो हर सोशल ग्रुप पे इंडिया ने ये कोशिश किया है कि वो सब्सिडी है उसको पहुंचाए, राइट। सो नंबर ऑफ पुअर एंड मार्जिनलाइज्ड हैव टू बिगन टू एक्सप्रेस देयर एस्पिरेशन फॉर सोशल मोबिलिटी थ्रू एक्सेस ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, मतलब जो लोअर क्लास है, जो लोअर क्लास को भी समझ आता है कि हम हायर एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें पढ़ के ही हमारा अगर कुछ ग्रोथ हो सकता है तो इट इज़ पॉसिबल, राइट, उसके अलावा पॉसिबल नहीं है। सो दैट इज़ द नीड ऑफ सब्सिडी इन इंडिया। सो ह्यूमन कैपिटल, हम जिसकी बात कर रहे थे ह्यूमन रिसोर्स की, ह्यूमन को हम कैपिटल कैसे बना सकते, जो हमारी पॉपुलेशन है, हमारा 1.3 बिलियन पॉपुलेशन है, राइट, इसको हम कैपिटल में कैसे फॉर्म कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म जो कैपिटल होता है हमारा, जो फिक्स्ड कैपिटल होता है, उसमें हम कैसे बदल सकते हैं इसको। एक पॉपुलेशन जो हम पे बोझ है, जो किसी काम का नहीं है, और उसी पॉपुलेशन को हम कैसे यूजफुल बना सकते हैं, ये हमारे लिए इकोनॉमी में ये यूजफुल आ जाए, तो उस पर हमको इन्वेस्ट करना होगा ना। किसी भी चीज़ को हम बेटरमेंट कैसे लेके आते हैं, उन पर हमें टाइम देना होता है, हमको इन्वेस्ट करना होता है। इन्वेस्ट इन द फॉर्म, नॉट इन द फॉर्म ऑन ओनली मॉनिटरी फॉर्म,
हमको उस पर एजुकेट करना होगा उसको, उसको अच्छे से जो फैसिलिटीज़ है वो देना होगा, हमको एजुकेशन में बुक्स प्रोवाइड करना, स्कूल में इन्वेस्ट करना होगा, स्कूल की बिल्डिंग्स अच्छे से बनानी होगी, स्कूल में एजुकेशन उसको चेक करना होगा, टीचर्स का एजुकेशन वो चेक करना होगा कि जो पढ़ा रहा है उसको भी कुछ आता है कि नहीं आता है, राइट? सो द कंट्री हैज़ डेवलप्ड अ वाइड नेटवर्क ऑफ इंस्टीट्यूशन लाइक CSIR. CSIR कौन कौन से हैं? CSIR लाइक जो सेंट्रल जो साइंटिफिक इंस्टीट्यूशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट होते हैं वो, और IITs एंड करंट यूनिवर्सिटीज विच प्रोवाइड क्वालिटी सब्सिडी सब्सिडाइज एजुकेशन टू द मासेस. दीज इंस्टीट्यूशंस हैव बिकम द न्यूक्लियस ऑफ प्रोवाइडिंग ट्रेन लेबर इन प्रोपेलिंग रिसर्च एंड डेवलप्ड एंड इकोनॉमिक ग्रोथ इन कंट्री. ये सब करने से ही हम अपनी ग्रोथ है इकोनॉमी में कर सकते हैं, राइट? देन सब स्टूडेंट्स ऑफ ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी फ्रॉम दीज इंस्टीट्यूशन वेंट ऑन टू ऑक्यूपाई द हायर पोजिशन इन गवर्नमेंट इन फॉर्म्स ऑफ इंजीनियर डॉक्टर एंड ब्यूरोक्रेट. ये हायर इंस्टीट्यूट में ही पढ़ के ज़्यादा चांसेस होते हैं कि जो हमारे स्टूडेंट है वो कल के आने वाले इंडिया को फॉर्म करते हैं, लाइक अस, लाइक वी आर डूइंग. ओके, इफ़ यू आर परसुइंग योर ड्रीम्स यू आर ऑल्सो कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस एलीट क्लास. ओके, जो एलीट क्लास हम जिसको बोलते हैं, आप सीधा अगर विलेज से भी है तो कोई मैटर नहीं करता है. अगर आपने एक पोजिशन है IAS और IPS, ये अगर पोजिशन आपने जो हायर क्लास की एलीट क्लास की पोजिशन समझी जाती थी एक टाइम पे, अगर आप किसी गांव से हैं तो इसको ले सकते हैं इस पोजीशन को, तो आप भी एलीट में शामिल हो जाएंगे, राइट? आपकी जनरेशन आने वाली वो इस एलीट क्लास में गिनी जाएंगी. सो व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड फॉर दिस सब्सिडी, जो हमारा कुछ क्वेश्चन है, इसके लिए हम क्या वे फॉरवर्ड कर सकते हैं? बेटर टारगेटिंग, मतलब हम टारगेट किसको करें, जो मार्जिनल ग्रुप्स हैं, जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं. अकॉर्डिंग टू स्टडी कंडक्टेड बाई गोखले इंस्टीट्यूट बेनिफिट्स कैन बी स्क्यूड इन द एब्सेंस ऑफ रेगुलेशन, मतलब जो बेनिफिट है ना वो रेगुलेशन की जो कमी होती है ना उसकी वजह से ही वो कम हो जाते हैं. देयर फॉर एलिमिनेटिंग फ्री राइडर्स इज बिगेस्ट चैलेंज, जो मतलब फ्री राइडर मतलब जो मुफ्त की खाते हैं, जिनको ज़रूरत नहीं है फिर भी उनको मुफ्त का चाहिए, तो उनको हटाना बहुत बड़ा चैलेंज है इसमें. डिसेमिनेशन ऑफ सब्सिडीज, मतलब सब्सिडीज़ का जो मिसयूज़ करते हैं. टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स लाइक आधार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कैन बी यूज इन एलिमिनेटिंग इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन एरर्स. आधार का इंक्लूजन करके, कि आधार तो आपको पता है कि एक आधार अगर जिसका हो गया तो उसको गवर्नमेंट को पता रहता है कि इसने कहाँ पे क्या एडमिशन लिया, तो उसके आधार के थ्रू अगर हम उनको लिंक कर देते हैं तो ये एक बहुत अच्छा वे फॉरवर्ड हम कर सकते हैं इसमें सब्सिडी की जो प्रॉब्लम उसको सॉल्व करने के लिए, कि वो मिसयूज ना हो उसका ज़्यादा. द थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरी विल हेल्प इन एलिमिनेटिंग द फ्री राइडर, मतलब जो थर्ड पार्टी है, जो हमारी जो हेल्प करने वाले हैं, जो NGOs हो गए हमारे, ये जो अदर पार्ट्स हो गए, ये जो बेनिफिशरीज हैं विल हेल्प इन एलिमिनेटिंग द फ्री राइडर, मतलब वो हेल्प कर सकते हैं इसमें आके, ठीक है. डिफरेंशियल फी स्ट्रक्चर, मतलब जो फी स्ट्रक्चर है उसको भी हम एलिमिनेट कर सकते हैं, उसको हम कम कर सकते हैं. रेशनलाइजिंग द फी स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ प्रोग्राम्स बेस्ड ऑन द मार्केटेबिलिटी अफोर्डेबिलिटी एंड इनपुट कॉस्ट एंड अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट इनकम ग्रुप पेव द वे फॉर ऑप्टिमल, मतलब एक फीस ना रखें पर जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं, सपोज जिसका ज़्यादा जो पे कर सकता है उससे थोड़ा ज़्यादा ले लें, जो कम पे कर सकता है उससे बिल्कुल कम ले लें, तो फी को स्ट्रक्चर को उसको मैनेज करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है. प्रोवाइडिंग फ्री एंड सब्सिडाइज हायर एजुकेशन टू स्टूडेंट्स फ्रॉम लोअर इनकम ग्रुप्स कुड हैव पेव द वे ऑफ मोर इक्विटेबल एंड जस्ट सोसाइटी, मतलब जस्ट मतलब इक्वल, इक्वलिटी, इक्वालिटी, इक्विटी जो सोसाइटी में ला सकता है जिसमें किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होता, उसको हम जस्ट सोसाइटी बोलते हैं. और लोअर इनकम ग्रुप्स के को हम ऐसे एजुकेशन में हेल्प करके ये हम कर सकते हैं, राइट? सम लार्ज पब्लिक यूनिवर्सिटीज शुड नाउ अप्रोच द 20% मार्क एज रिकमेंडेड बाय द पुन्नया कम्युनिटी एंड कमिटी एंड नेशनल नॉलेज कमीशन. ये हमने जो हमारे कमीशन और कमिटीज़ हैं, ये इन्होंने रिकमेंड किया है कि 20% मार्क है यूनिवर्सिटीज़ में वो इनको कर देना चाहिए, कि इतने परसेंट तो हाई स्टूडेंट लोअर क्लास से आएंगे ही, राइट? सब्सिडीज जो हमारे हैं उससे आएंगे. रेगुलेटरी मैकेनिज्म, मतलब अ प्रॉपर रेगुलेटरी मैकेनिज्म शुड बी प्लेस्ड इन प्ले ऑर्डर टू मेक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन इन लाइन विद द गवर्नमेंट्स गोल ऑफ मेकिंग हायर एजुकेशन एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल टू वल्नरेबल सेक्शन, राइट? सो इंक्रीज पब्लिक स्टैंडिंग ऑन स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन, मतलब जो पब्लिक फंड है उसका ज़्यादा से ज़्यादा फंड हम, जो हमारा बजट होता है, बजट का ज़्यादा से ज़्यादा फंड हम एजुकेशन पे स्पेंड करें. पर स्टूडेंट पब्लिक
funds have to increase drastically in order to maintain the principle of equity and inclusiveness. मतलब जो हमारा principle है equity का और inclusiveness का, वो हम सिर्फ education से ही हमको मिल सकता है. Education is one of those genuinely long term businesses. Business A public effort is needed to frame a different management style, better autonomy and accountability. मतलब अगर जो इनको handle करता है, जो public institution इसको handle करते हैं subsidy को, उसको accountable होना पड़ेगा, उसको ज़्यादा इससे related research करना पड़ेगा, management skill अपनी अच्छी करनी पड़ेगी. Subsidies can help in improving access of higher education and bridge socio-economic divides. मतलब जो सोशो इकोनॉमिक डिवाइड्स हमारे डिफरेंट कम्युनिटीज़ में, वो एजुकेशन के थ्रू ही हम उनको कम कर सकते हैं, राइट. और अक्रॉस कम्युनिटीज़ इन द कंट्री, हाउएवर दीज मस्ट बी रैशनलाइज्ड इन ऑर्डर टू रीप ऑप्टिमम बेनिफिट्स. मतलब जो बहुत ज़्यादा, जो ज़्यादा से ज़्यादा हम उससे बेनिफिट कैसे उगा सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं. सो ये हमारी बेटर मैनेजमेंट स्किल्स ही हमको करा पाएंगी, राइट. सो सो दिस इज, ये मेरे चैनल का लिंक है, आप इस पर जाइए. डिफरेंट जो मेरी जो क्लासेस होती हैं अन अकेडमी पे, अभी 11 AM अभी क्लास आने वाली है, 6 PM दोनों क्लासेस में MCQ होते हैं बहुत ज़्यादा में, आपको पता है. और बहुत इंटरेस्टिंग, हाईली इंटरेक्टिव क्लास होती है. आई थिंक अन अकेडमी की सबसे बेस्ट क्लास हमारी होती है. सो प्लीज़ ज्वाइन अस ऑन अन अकेडमी एज वेल. ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे आप मुझे फॉलो कीजिए. और टेलीग्राम पे मुझे इस क्लास का इवनिंग जो 4 PM क्लास होता है यूट्यूब पे, उसकी PDF के लिए हमको आप कांटेक्ट कर सकते हैं. हमको इस पे सब्सक्राइब कीजिए टेलीग्राम पे, देन यूट्यूब पे मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. सो दिस इज निधि सिंह. आई हैव बीन टीचिंग UPSC CSE स्टूडेंट फ्रॉम लास्ट 3 ईयर्स एंड आई हैव बीन जो PG, मैंने PG किया है सोशोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस में. एंड आई एम एप्लीकेबल, आई एम अलाउड टू डू जो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर है, मैं उसके लिए एलिजिबल हूँ. सो दैट इज़ आवर, दैट्स ऑल अबाउट मी एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी. और आज थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन हो गया, राइट. और थैंक यू सो मच. आप प्लीज़ इसी क्वेश्चन को, 250 मार्क्स का है, इसको 150 मार्क्स में आप करेंगे और मुझे आज दिखाएंगे. आप मुझे टेलीग्राम पे सेंड कर सकते हैं, राइट. आई विल चेक योर आंसर्स डेली, रेगुलरली. जब भी मुझे थोड़ा सा टाइम मिलता है तो अपने आंसर्स चेक ज़रूर करती हूँ, राइट. सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी.